मोशन ऑन आर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो आर्टिकल क्या कहता है, टू पार्टिकल्स ऑफ मासेज एम वन एंड एम टू, दो मासेज लिए हैं, कनेक्ट करता है बाय आ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एम टू इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ लाइट स्मूथ पुली एट द एज ऑफ द टेबल। आपके पास एक स्मूथ पुली है और वो कहाँ है, राइट एज एज ऑफ द टेबल पर है आपके पास। एम वन जो है उसने हैंग किया हुआ है फ्रीली, एम टू जो है वो आपके पास किस पर है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। डिस्कस द मोशन ऑफ द टेंशन ऑन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑफ द पुली। आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो मेरे पास एक पार्टिकल, दो बॉडीज आपके पास है, एक को मैंने कहाँ प्लेस किया हुआ है आप रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, और एक जो है वो कहाँ पर है आपके पास इस टेबल की जो एज है उस पर मैंने एक पुली लगाई हुई है, और वहाँ आपके पास फ्रीली कौन हैंग हो रहा है, मास एम वन, ये मेरे पास क्या है एम वन, और यहाँ मेरे पास कौन है एम टू है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है एम वन और ये मेरे पास क्या है एम टू। अब दो कंडीशन आपके पास आती है, अगर एम वन मेरे पास यहाँ फ्रीली हैंग हो रहा है इट मीन्स आपके पास इस एम वन की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, इट मीन्स एम वन एफ की डायरेक्शन आपके पास ही होगी। ये आपके पास यहाँ है तो आपके जो इसका वेट होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डाउनवर्ड होगी। अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो टेंशन की डायरेक्शन आपके पास कौन सी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी आपके पास उसके टेंशन की। उसके बाद हम बात करते हैं एम टू की, एम टू आपके पास कहाँ है, रफ ओरिजेंटल प्लेन पर है। तो ये दो कंडीशन आपके पास रफ ओरिजेंटल प्लेन की होती है, जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आपके पास क्या होता है, रिटार्डिंग फोर्स होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास क्या होता है, रिटार्डिंग फोर्स होता है। और ये कहाँ आपके पास, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपके पास जहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा उससे अपोजिट आपके पास कौन काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। कॉमन सी चीज़ है ये, बेसिक है, आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो कहाँ काम करेगी, अपोजिट डायरेक्शन पर, और किसके अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। सेकेंड थिंग आपके पास क्या आता है कि आपके पास आर जो होती है वो क्या होती है, एक नॉर्मल रिएक्शन होती है। आर जो आपके पास होता है वो क्या होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, और ये नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कहाँ होता है, जहां आपके पास क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। देखो ये मेरे पास क्या था, एम वन, एम वन आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, सो उसकी टेंशन जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फ्रीली हैंग आपके पास है। एम टू जो है वो आपके पास कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, जो इसके वेट की डायरेक्शन, वेट जो है वो यहाँ ये डायरेक्शन फॉर्म करेगा, जो इसकी रिएक्शन होगी उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी। और अगर मैं बात करूं कि आर आपके पास उसका क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये डायरेक्शन आपके पास यहाँ फॉर्म करेगा म्यू आर, ठीक है, और वो हमेशा किससे अपोजिट होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि एम टू के लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन उसके पास कौन सा है, ये है, तो उससे अपोजिट आपके पास कौन काम करेगा, म्यू आर, ठीक है। अब आपने दो चीजें ली हैं, देखो ये सिर्फ मैंने बेसिक बताया कि आपके पास जो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर मैंने किसको प्लेस किया हुआ है, एम टू को, और आपके पास जो एम वन है वो फ्रीली हैंग कहाँ पर हो रहा है, यहाँ फ्रीली हैंग हो रहा है, उसकी डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड होगी, सो टेंशन की डायरेक्शन आपके पास अपवर्ड होगी, ये मेरे पास एम टू है, और एम टू जहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसे अपोजिट आपके पास कौन काम करती है, नॉर्मल रिएक्शन काम करती है, ठीक है, ये एम टू जी है, तो इससे अपोजिट आपके पास क्या होगी, रिएक्शन। अब बनाते हैं दोनों की इक्वेशंस। अगर मैं बात करूं आर की, तो आर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, एम टू जी के इक्वल होगा, क्योंकि आर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन किसका है, एम टू, वेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों इक्वेशंस की, ये एम वन है, टेंशन उससे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, सो आपके पास एम वन एफ जो है वो किसके इक्वल होगा, एम वन जी माइनस टी, यह इक्वेशन बनेगी, बिकॉज ऑफ टी इज एन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एम वन एफ, टी की जो डायरेक्शन है वो एम वन एफ से अपोजिट है, सो एम वन एफ इक्वल्स टू एम वन जी माइनस टी।
की। अब बात करते हैं किसके लिए, M2 के लिए। सबसे पहली बात, आपके पास जो M2 है वो कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्लेस्ड है, ठीक है। अब अगर मैं उसकी टेंशन की बात करूं, M2 ये इस डायरेक्शन में है ना, तो जो M2 की टेंशन होगी उसकी डायरेक्शन किस पर होगी, एज ऑफ द टेबल, यही फॉर्म करेगा T टेंशन आपके पास, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म कर रहा है। सो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो दो चीजें, एम वन का तो सिंपल केस है, आपको पता है कि एम वन एफ की डायरेक्शन ये, टी की आपके पास अपोजिट डायरेक्शन, सो इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, एम वन एफ इक्वल्स टू एम वन जी माइनस। अब बात करते हैं हम M2 वेट की, तो वो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर वो प्लेस्ड है। T जो है उसके डायरेक्शन आपके पास ये है, T टेंशन की, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उससे अपोजिट आपके पास कौन काम करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी डायरेक्शन किससे अपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन से। तो M2 की जो इक्वेशन आपके पास बनेगी वो क्या होगा, एम टू एफ इक्वल्स टू टी माइनस म्यू आर, ठीक है, टी माइनस म्यू आर आपके पास किसकी इक्वेशन बनेगी, एम टू एफ की, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड कीजिए, एम वन एफ प्लस एम टू एफ किसके इक्वल होगा, एम वन जी माइनस टी प्लस टी माइनस म्यू आर, तो ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, एम वन प्लस एम टू एफ इक्वल्स टू टी से टी कैंसिल, एम वन जी माइनस म्यू आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, एम टू जी, ठीक है। यहां से क्या वैल्यू आप कॉमन ले सकते हो, एफ जी को मैंने कॉमन लिया, एम वन माइनस म्यू एम टू जी, एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, एम वन माइनस म्यू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी, ठीक है। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, टी की, आप टी की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, एम वन एफ इक्वल्स टू एम वन जी माइनस टी, इस इक्वेशन का यूज कर रही हूं मैं, इस टी को उधर, सो टी इक्वल्स टू एम वन जी प्लस सॉरी माइनस एम वन एफ, दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आया, एम वन जी माइनस एफ, एफ की वैल्यू क्या है, जी माइनस एफ की वैल्यू मेरे पास है एम वन माइनस म्यू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, बाहर क्या आ गया, जी, दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, जी को कॉमन लीजिए, आपके पास वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस एम वन म्यू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, एम वन जी एम वन प्लस एम टू माइनस एम वन प्लस म्यू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, क्या टर्म कैंसिल हो गई, एम वन से एम वन कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू यहाँ लिख रही हूँ वैल्यू को, एम वन जी क्या आ गया, एम टू प्लस म्यू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, दोनों टर्म्स में से मैंने किसको कॉमन ले लिया, एम टू को, सो वन प्लस म्यू ओवर एम वन प्लस एम टू, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, टी टेंशन की, ठीक है। ये हमें यही फाइंड आउट करना था, एक आपके पास एफ आ गया, दूसरी वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई,
ठीक है। सो ये चीज का हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वहां हम किसका यूज करेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात कर रही हूँ तो वहां हम किसका यूज करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। और उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो आपके पास डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन से अपोजिट वो काम करेगा। तो यहाँ इक्वेशन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन की अगर मैं बात करूँ तो आप किसको देख कर काम करोगे, उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखो, देखो एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन इज एन इन्वेंशन ऑफ साइंस विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एट द डिफरेंट प्लेसेस। क्या है, देखो आपके पास एक ये वुडन कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, उस पर उसने किसी भी एक पिलर को लगाया हुआ है, ठीक है। वहां उसने एक पुली लगाई हुई है, दो वेट उसके पास, मेरे पास एक वेट है M1 और सॉरी ये कैपिटल M है और दूसरा वेट भी मेरे पास क्या है M, दोनों उसने इक्वल वेट्स ले रखे हैं। वो क्या कहता है, दो चीजें उसने लिए P और Q, दो पार्टिकल, दो प्लेटफॉर्म्स उसने लिए, पहला क्या है आपके पास P और दूसरा आपके पास क्या है Q। आपके पास इस पुली पर एक स्ट्रिंग उसने लगाई हुई है, स्ट्रिंग पर उसने दोनों इक्वल मासेस लिए, ये भी M है और ये भी M है। वो क्या कहता है कि आपके पास जो ये मास M है वो जब प्लेटफॉर्म P पर अटैच होता है और जो P का मास है वो आपके पास क्या है, स्मॉल M है। सो अब इसके पास जो ये टोटल मास होगा वो कितना हो जाएगा, M प्लस M। देखो आपके पास क्या है, ये कोई भी पुली है और उसने एक स्ट्रिंग को यहाँ लगाया हुआ है, दो इक्वल मासेस उसने लिए हैं, एक आया आपके पास, दोनों इक्वल हैं सो ये कैपिटल M है, ये वैल्यू भी आपके पास क्या है कैपिटल M है, इक्वल हैं तो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे, ये मेरे पास क्या है M है। वो क्या कहता है, उसने दो प्लेटफॉर्म्स आपके पास लिए, एक है उसके पास में P, ये P प्लेटफॉर्म है। अब ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये आपके पास P प्लेटफॉर्म है तो इसका भी कुछ ना कुछ मास आपके पास होगा। उसने क्या लिया कि इसका मास आपके पास क्या है, M है। जब ये पार्टिकल आपके पास इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचेगा तो उसका मास M रहेगा, लेकिन जैसे वो जब यहाँ पहुंच जाएगा तो उसका जो इस पार्टिकल का जो टोटल मास आपके पास होगा वो क्या होगा, M प्लस M होगा, यही मास उसका बनेगा। उसके बाद देखो वो क्या कहता है, P is attached the pillar which is a vertically above the ring. Q fixed in pillar. Q एक ring है आपके पास जो उसने कहाँ fixed की हुई, इस pillar पर fixed की हुई है। One of these masses rest at a platform P. उस दोनों में से एक mass ऐसा है जो किस platform पर rest करता है, P पर। जब वो P पर rest करेगा तो जो उसका mass होगा वो total mass आपके पास क्या कहलाएगा, M plus M मास कहलाएगा। अब अगर आप इस चीज को देखो तो मेरे पास अब दो मासेस हो गए, एक मास आपके पास क्या है M और सेकंड मास अब मेरे पास क्या होगा, कैपिटल M प्लस M, यही दो मासेस आपके पास बनते हैं। आपने अभी तक तीन आर्टिकल्स पढ़े हैं, तीनों आर्टिकल्स के लिए आपके पास F जो है उसकी कंडीशन क्या आती है, M1 माइनस M2 ओवर क्या आता है, M1 प्लस M2 जी, यही इक्वेशन हम बनाते हैं। अब आप इसको देखो, M1 आपके पास इस कंडीशन में क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, और M2 कंडीशन ये चलती है कि M1 इज ग्रेटर देन M2। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपके पास दो मासेज हैं, एक है M प्लस M और दूसरा मास आपके पास क्या है M, दोनों में से ग्रेटर कौन होगा, M प्लस M आपके पास ग्रेटर होगा। सो M प्लस M माइनस क्या आता है, M2, स्मॉलर मास आपके पास क्या है M, ओवर क्या वैल्यू आएगी, M1 प्लस M2, M1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, M प्लस M और प्लस M इंटू क्या आएगा जी, तो इक्वेशन आपके पास क्या बनी, M ओवर 2M प्लस M जी, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आ गई, F की, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये देखो कि अगर आपके पास ये पार्टिकल, मान लीजिए ये M की वैल्यू आपके पास यहाँ थी, यहाँ से यहाँ जब वो आया तभी उसका टोटल मास आपके पास M प्लस हुआ, तो इट मीन्स जब उसने इतना मूव किया तो वहाँ कोई ना कोई वेलोसिटी तो आपके पास काम करेगी ना। वो क्या कहता है, उसने लेट किया कि V आपके पास क्या है, कोई भी वेलोसिटी काम करती है, कब, जब आपके पास ये M प्लस M मास जो है वो कहाँ पहुँचता है, इस रिंग Q पर, किस पर,
के ऊपर। तो हम लोग क्या देखो, उसने जो v वेलोसिटी ली है वो किसके लिए है, जब आपके पास ये पार्टिकल जो है वो कहाँ पहुंचता है, इस रिंग q पर रीच करता है। ठीक है, अब एक चीज आप ये सोचिए कि मैंने m मास को जब यहाँ रेस्ट दिया प्लेटफॉर्म p पर, उस केस में आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। जब ये मास यहाँ से यहाँ आएगा तो उस केस में कौन सी वेलोसिटी मेरे पास काम कर रही है, v, और वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कवर करेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसे कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस ही कवर नहीं करेगा इट मीन्स वो आपके पास जो भी पार्टिकल था वो उसका मोशन क्या रहेगा, वो तो रेस्ट में रहेगा। सो अगर वी मैंने वेलोसिटी ली है, उस केस में इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, जीरो होगी। हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस, बट आपके पास यू की वैल्यू क्या है, जीरो है। टू एफ और एस आपके पास क्या डिस्टेंस कवर करेगा, पी से क्यू। ठीक है, और एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, एम ओवर टू एम प्लस एम क्या है, जी, और वैल्यू क्या है, पी क्यू। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपके पास ये एम प्लस एम मास है, कहाँ पासेज होता है, इस रिंग क्यू पर। अगर वो इस रिंग क्यू पर पास होता है तो इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ तो ऐसा मास होगा ना जो उससे क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। देखो हमारे पास m की वैल्यू ये होगी, f की वैल्यू m बाय टू एम प्लस एम जी, और आपके पास जो v स्क्वायर है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, टू एम बाय टू एम प्लस एम जी पी क्यू। देखो वो क्या कहता है कि मेरे पास जो ये m प्लस एम मास है, ये m प्लस एम मास है, वो आपके पास v वेलोसिटी को कब फॉर्म करता है, जब वो p से किस पोजीशन पर आता है, q पर। देखो व्हेन द मास m प्लस एम पासिस थ्रू द रिंग द पिलर इज गोट रिमूव्ड ऑटोमेटिकली द मास ऑन द बोथ साइड्स आर अगेन इक्वल। जब आपके पास वो मास यहाँ रीच करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके पास जब वो रीच करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। अगर वो वहां से रिमूव हो जाएगा तो दोनों मासेज आपके पास कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दोनों मासेज अगर आपके पास इक्वल हो जाएंगे तो सिस्टम आपके पास कैसा बन जाएगा, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी के साथ। लेट इट ट्रेवल अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, एक्स कितने टाइमिंग पर टी, तो हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इंटू टाइमिंग। मेरे हिसाब से ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आती तो आप ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं फिर से बता दूँ, फिर भी एक बार देख लो। वो क्या कहता है कि आपके मास, आपके पास कोई भी मास है, टोटल जो ये मास बनेगा वो क्या होगा, एम प्लस एम। वो कहता है कि वो ये डिस्टेंस कवर करवाता है कि आपके पास जो रिंग क्यू है वो कहाँ से पासिस ओवर हो जाती है, पासिस थ्रो क्यू से। इट मीन्स जब वो वहाँ से पासिस थ्रो हो गई है आपके पास, वो किस यहाँ तक अगर वो डिस्टेंस आपके पास कवर अप कर रही है, उसके बाद उसके पास जो ये एम मास है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। अगर वो रिमूव्ड हो गया तो ये दोनों मासेज आपके पास कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और दोनों मासेज अगर इक्वल हो जाएंगे तो जो आपके पास ये पार्टिकल मूव करेगा या सिस्टम मूव करेगा वो किस वेलोसिटी के साथ करेगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। और हम उसको ले क्या रहे हैं कि वो क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, किस वेलोसिटी के साथ, वी के साथ। वो किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल्स टू वी टी, टोटल टाइमिंग। मेरे पास वैल्यू किसकी है, वी स्क्वायर की, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, टू एम ओवर टू एम प्लस एम जी पी क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, मासेस ऑफ 450 ग्राम्स एंड 550 ग्राम्स आर कनेक्टेड बाय अ थ्रेड पासेस ओवर अ लाइट पुली। कहाँ से पासेस होते हैं दोनों, किसी लाइट पुली से। देखो एक मास उसने दिया 450 और दूसरा मास आपके पास क्या है, 550। एक मास आपके पास ग्रेटर है किससे, सेकंड मास से।
क्या कहता है, तो मैंने ग्रेटर वाली जो वैल्यू है उसको किसका नाम दे दिया, एम वन का। सो एम वन की वैल्यू 550 और एम टू की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या हो गई, 450 हो गई। ठीक है, जो एफ एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू, क्या आता है जी, एम वन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 550 माइनस 450 किसके इक्वल होगा, सॉरी ओवर 550 प्लस 450 क्या आएगा जी, आएगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 100 ओवर इन दोनों का सम करेंगे सो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1000। कौन सा, ये क्या है, ग्राम्स में है, तो आपके पास यहाँ जी की वैल्यू क्या होगी, 980। इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 98। आपके पास जो एफ एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 98। अब आगे की कंडीशन पढ़ो, क्या कहता है, हाउ फार डू दे मूव इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस उसने आपसे पूछा है, टाइमिंग क्या दिया है 3 सेकेंड, ऑफ मोशन व्हाट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, आपको और वो क्या पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। देखो डिस्टेंस उसने आपको क्या निकालना है, मुझे टी टाइमिंग उसने क्या दी है, 3। इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या होगी, 0 होगी। सो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0। वी मेरे पास क्या है, मुझे फाइंड आउट करना है। टी टेंशन की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, वी मेरे पास गिवन आउट नहीं है। यू की वैल्यू आपके पास क्या है, 0। टी टेंशन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 3। एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, 98। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एस, तो आप वैल्यू डालिए, एस किसके इक्वल होता है, यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वेयर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। सो वैल्यू 1/2 एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, 98, और टी की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या वैल्यू देगा, 9। इसको सॉल्व कीजिए, मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 441। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन, और टेंशन की आपके पास क्या वैल्यू होती है, टी मेरे पास किसके इक्वल होता है, 2 एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी। एम वन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 550। एम टू की वैल्यू क्या है, 450 ओवर 450 प्लस 550, और जी की वैल्यू आपके पास क्या है, 980। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, दिस सम ऑफ टू मासेस ऑफ एन एटवुड मशीन इज 60। आपके पास दोनों मासेस का सम क्या है, 16 है। इट मीन्स अगर मेरे पास एक मास m है तो दूसरा मास आपके पास क्या होगा, एक मास अगर आपके पास m है तो दूसरा मास आपके पास क्या होगा, 16 माइनस एम। ठीक है, उसने कहा ना दोनों मासेस का सम आपके पास क्या है, 16 है। एक मास अगर एम है तो दूसरा मास आपके पास क्या है, 16 माइनस एम होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द हैवियर वेट डिसेंड्स थ्रू 64 फीट इन 4 सेकेंड्स। जो हैवियर वेट है आपके पास वो कितना डाउन जाता है, 64 फीट, कितने टाइमिंग में, 4 में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ईच मासेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एक मास आपके पास m है और दूसरा मास मेरे पास क्या है, 16 माइनस m। t टाइमिंग की वैल्यू उसने आपको क्या दी है, 4। क्या डिस्टेंस वो आपको दे रहा है, 64। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास उस केस में क्या होगी, 0। मैं यहाँ से किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ, f को, लगाओ जरा वैल्यू, s किसके इक्वल होगा, यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। एस की वैल्यू मेरे पास क्या है, 64। 1/2 एफ मेरे पास, मुझे फाइंड आउट करना है, टी का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास क्या है, 16 है। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 8 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ईच मासेस को फाइंड आउट करना था ना। और देखो वो क्या कहता है, द सम ऑफ टू मासेस एट वुड मशीन, ये है हैवियर वेट डिसेंट्स। जो हैवियर, देखो एक वेट आपके पास एम है और दूसरा वेट मेरे पास क्या होगा, 16 माइनस एम, तो दोनों में से हैवियर वेट आपके पास कौन सा हुआ, एम ही तो हुआ ना। इट मीन्स आपके पास यहाँ एम वन की वैल्यू क्या है, एम, और एम टू की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 16 माइनस एम। अब आप
मेरे को एफ की वैल्यू पता है, आप वैल्यू फाइंड पुट कीजिए एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी। एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, एट इक्वल्स टू एम वन मेरे पास क्या है एम, माइनस एम टू की वैल्यू मेरे पास क्या है सिक्सटीन प्लस एम, माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम प्लस सिक्सटीन माइनस एम जी। कौन सा सिस्टम है ये आपके पास, फिर यहाँ वैल्यू क्या आएगी 32। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू क्या आ जाएगी 2m माइनस सिक्सटीन ओवर 16 32। टू एम माइनस सिक्सटीन इंटू टू, टू एम माइनस सिक्सटीन, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, इजी है इसके क्वेश्चंस। सेकंड थर्ड देखो क्या कहता है, शो हाउ टू डिवाइड अ मास ऑफ 10 kg इन टू पेंस स्केल पेंस। वो कहता है आप 10 kg वेट को टू स्केल पेंस में कैसे डिवाइड करोगे, ईच ऑफ मास हैज, ईच ऑफ विच हैज अ मास 4 kg सो दैट हैवियर पेन इज डिसेंट 2.18 meter इन फर्स्ट 2 seconds। तो सबसे पहले मैं इस कंडीशन का यूज करके किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी, एफ की वैल्यू को। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, उसने क्या आपको गिवन किया है, कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2.18, 2 seconds, और टी की वैल्यू आपके पास क्या है 2। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी 0, सो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। यू की वैल्यू है 0, एस की वैल्यू क्या है 2.18 इक्वल्स टू 1/2 एफ टी स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 4। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, उसको उधर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास एफ की वैल्यू क्या आ गई 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एफ की वैल्यू आ गई। अब आगे की कंडीशन देखो, वो क्या कहता है, वो 10 kg वेट को कैसे डिवाइड करे टू स्केल पेन में। तो आपके पास मान लो अगर एक वेट आपके पास m है तो सेकंड वेट आपके पास क्या होगा 10 माइनस m होगा, यही बनेगा ना। एक वेट अगर दोनों पेन जो दोनों वेट्स हैं आपके पास उसको किस में से डिवाइड करना है 10 से ना। इट मीन्स अगर आपके पास एक वेट m है तो सेकंड वेट आपके पास क्या होगा 10 माइनस m। उसके बाद की कंडीशन देखो, ईच ऑफ विच हैज अ मास 4 kg, हर मास का वो कितना बताता आपको 4 kg ना। 4 kg का मीन्स अगर ये m है तो अब जो आपके पास मास होगा वो क्या बनेगा m प्लस 4 होगा। ठीक है, क्योंकि उसने आपको क्या कहा है कि मासेस टू डिवाइड, मासेस को वो डिवाइड करता है ना टू स्केल पेन्स में, और कितना वो मास कहता है 4 kg। इट मीन्स अगर ये m है तो ये वेट क्या होगा m प्लस 4, अगर ये 10 माइनस m है तो अब ये क्या हो जाएगा 10 माइनस m प्लस 4। सो एक मास आपके पास हुआ m प्लस 4 और सेकंड मास आपके पास क्या हो गया 14 माइनस m। दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला। सो m1 की वैल्यू क्या हो गई ये, और ये वैल्यू आपके पास किसकी हो गई m2 की हो गई। दो मासेज आपके पास आ गए, अब हम वैल्यू किसकी निकालते हैं f की, वो किसके इक्वल होगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 जी। f1, f की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 1.09, m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है m प्लस 4 और m2 की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 14 प्लस m। दोनों को ऐड करेंगे m प्लस 4 प्लस 14 माइनस m इंटू जी। आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, टू स्केल पेंस ऑफ मास 4 kg आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली, शो दैट कि डिवाइड मासेस को वो किससे डिवाइड कर रहा है 10 kg से टू स्केल पेंस में। अब सेम कंडीशन है ना आपके पास,
दोनों स्केल्स फैंस जो है उनका मास आपके पास क्या है 4 kg, वो कनेक्ट करता है किससे, लाइट इनएक्सटेंसिबल सॉरी आपके पास हाँ लाइट स्ट्रिंग है जो किससे पासेज है, पुली से, और हर मास को वो किससे डिवाइड करता है 10 से। सो अगर पहला मास आपके पास m है तो सेकंड मास आपके पास क्या होगा 10 - m होगा, बट आपके पास वो क्या कहता है 4 kg वेट को वो कनेक्ट करता है। इट मीन्स ये अगर m है तो ये मास क्या होगा m+4, और अगर ये 10 - m है तो ये मास अब आपके पास क्या हो जाएगा 14 - m। ये वैल्यू किसकी है m1 की, और ये वैल्यू मेरे पास किसकी है m2 की। दो मासेज आपके पास हो गए, हम क्या निकालेंगे F किसके इक्वल होता है m1 - m2। इसने इसके अलावा आपको कोई कंडीशन नहीं दी, एक कंडीशन ये दी है सो एज टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन g/9। एक्सेलरेशन की वैल्यू इसने आपको दी है, सो m1 - m2 / m1 + m2 g। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है g/9, m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है m+4 - 14 + m/m। m+4 + 14 - m g, बोथ साइड से आपके पास g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। (2m - 10) ओवर क्या आ गया आपके पास 8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी फिफ्थ क्वेश्चन आप ट्राई करना और फिर बताना हुआ या नहीं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे।